Hello students, the following day I gave you to complete the exercise of 6th chapter, the nouns, and the exercise was brain twisters. So I am giving the solution of this exercise. See here please. Here is written in your grammar book, underline all the nouns in the following sentences. फिर आपने किताब में देखिए, आप किताब में देखिए, देखिए लिखा brain twisters के नीचे underline all the nouns in the following sentences and put them under the right groups given below. कहने का उल्टा कि जितने भी nouns हैं इन sentences में उन सबको आप जो है अंडरलाइन कीजिए और क्या लिखा है पुट देम अंडर द राइट ग्रुप्स गिवन बिलो. जो नीचे ग्रुप बनाया गया है यानी जो टेबल बनाई गई है उसमें देखिए किताब में देखिए बेटा वहां पे 5 कॉलम है. पहले में प्रॉपर, दूसरे में कॉमन, थर्ड में कलेक्टिव, फोर्थ में एब्स्ट्रैक्ट और फिफ्थ में मेटेरियल नाउन्स. तो इन सारे सेंटेंसेज में से जो प्रॉपर नाउन्स है उन्हें प्रॉपर नाउन वाले कॉलम में भरेंगे आप, जो कॉमन नाउन्स है उन्हें कॉमन वाले में, जो कलेक्टिव नाउन्स है उसमें एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल. इसी तरह से आप इन सारे सेंटेंसेस में से छांट के टोटल इन कॉलम्स में लिखेंगे. ठीक है, तो जैसे सपोज दैट फर्स्ट एग्जाम्पल ले लो. एग्जाम्पल के लिए लिखा है अनु लाइक्स बनानास ऑरेंजेस एंड एप्पल्स. ठीक है बेटा, अब इसमें देखिए अनु क्या है. अनु जो है वो प्रॉपर नाउन है ना, और बनानास क्या है, ये कॉमन नाउन है बेटा. ऑरेंजेस कॉमन नाउन है, एप्पल्स क्या है, ये कॉमन नाउन. तो देखिए इस टेबल में देखिए अपनी किताब में आप, और इसमें जो मैं दे रहा हूँ आंसर इसमें देखिए बेटा, ये देखिए ये अनु जो है प्रॉपर नाउन में लिखा गया और बनानास ऑरेंजेस एंड एप्पल्स इसे किस में दिया गया, कॉमन नाउन. तो ना बेटा इस तरह से जो है जितने भी नाउन्स हैं उसे हमने इन पांचों कॉलम में भर दिया है और ये आपको सेंड कराओ, देख लीजिए ये पूरी टेबल है, इसे आप अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिएगा. आज के लिए सिर्फ इतना ही दे रहा हूँ और अगली एक्सरसाइज को जो है मैं नेक्स्ट डे आपको सेंड करूँगा क्योंकि आपके लिए वर्क ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है बेटा, तो मैं इसको रख रहा हूँ, इसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा. डेट्स ऑल बेटा, थैंक यू.